दोस्तों, जब जब एक्टिंग की दुनिया के भगवान की बात होती है तो जुबा पर सबसे पहले नाम सुपरस्टार रजनीकांत का ही आता है, जिन्होंने अपने अभिनय के करियर के शुरुआती दिनों से ही फिल्म इंडस्ट्री को जितनी भी फिल्में दी हैं वो सभी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करती नजर आईं, और इन फिल्मों के चलते आज ये सुपरस्टार कहलाए जाते हैं। लेकिन आज सुपरस्टार की पहचान हासिल कर चुके रजनीकांत की जिंदगी में एक समय ऐसा भी था जब इन्होंने बस कंडक्टर के तौर पर अपना गुजारा किया था। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, और इसलिए आज हम आपको इनके बस कंडक्टर से सुपरस्टार बनने तक के पूरे सफर के बारे में ही बताने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस बस कंडक्टर की सुपरस्टार बनने तक की कहानी के बारे में, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और एक्टिंग के भगवान रजनीकांत के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साउथ फिल्म इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में देने वाले अभिनेता रजनीकांत 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक के बेंगलुरु से मराठी परिवार में जन्मे थे, और इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई यहीं से कंप्लीट की थी। रजनीकांत 4 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे और इनका नाटकीय प्रतियोगिता में काफी इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से ये अक्सर अपने स्कूल टाइम में नुक्कड़ नाटक में भाग लिया करते थे। पर क्योंकि परिवार बड़ा था, इसलिए परिवार को देखते हुए पढ़ाई कंप्लीट करने के तुरंत बाद ही रजनीकांत ने बस कंडक्टर के तौर पर बैंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस BTS में नौकरी की। इस नौकरी से ये अपना गुजारा कर लिया करते थे और आर्थिक रूप से अपना घर भी चला लिया करते थे, जिससे पहले उन्होंने कुली के तौर पर भी काफी समय तक काम किया। लेकिन क्योंकि रजनीकांत को अभिनय करियर में शुरुआती दिनों से ही दिलचस्पी थी, इसलिए इन्होंने कुछ समय तक बस कंडक्टर के रूप में काम करने के बाद फिल्मों में काम करने के लिए ऑडिशन देने शुरू कर दिए थे। ये मराठी फैमिली से थे, इसलिए तमिल भाषा से ये पूरी तरह अनजान थे। लेकिन जब इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में आने का फैसला किया, तभी किसी ने इन्हें तमिल भाषा सीखने की सलाह दी, और इन्होंने वो सलाह मानते हुए तमिल भाषा बोलना सीखा, और ये इनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी रहा। तभी तो इन्हें साल 1975 में पहली बार अपूर्व रंगल तमिल भाषा की फिल्म में काम करने का मौका मिला, और इस फिल्म से इन्होंने अपना जबरदस्त फिल्म डेब्यू किया, जिसमें इनके अभिनय प्रदर्शन को दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया था। तभी तो इन्हें आगे चलकर बिल्ला, रोबोट, मुलूम मालारूम, शिवाजी, कव्वाली, चंद्रमुखी और लिंगा जैसी कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला, और इन फिल्मों से इन्होंने देश भर में खूब नाम कमाया और साथ ही बॉलीवुड में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिसकी बदौलत ही इन्हें 4 तमिल बेस्ट एक्टर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। साल 2000 में इन्होंने पद्म भूषण अवार्ड भी अपने नाम किया। यही नहीं, बल्कि साल 2019 में इन्हें आइकन ग्लोबल जुबली अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, और इस तरह से ये भारत के दूसरे सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए, और सुपरस्टार के तौर पर ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक जाने गए, जिनका ये रुतबा आज भी कायम है। और आज भी जब भी ये फिल्मों में आते हैं तो दर्शक इन्हें अपना खूब प्यार देते हैं, और बस कुछ इसी तरह से इन्होंने बस कंडक्टर से लेकर सुपरस्टार का सफर तय किया। एक नजर डालें इनकी निजी जिंदगी पर, तो इन्होंने साल 1981 में लता रजनीकांत से शादी रचाई थी, और इस शादी ये दो प्यारी बेटियों के पिता बने थे, जिनमें ऐश्वर्या और सौंदर्या रजनीकांत का नाम शुमार है। तो दोस्तों, सुपरस्टार रजनीकांत की इस स्ट्रगलिंग स्टोरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही एक्टिंग की दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।